तो केजरीवाल के लोकपाल में क्या नया होगा, क्या अनूठा होगा, कैसे वो ज्यादा सशक्त बनेगा, ये तो बिंदु हमने आपको बता दिए, लेकिन आइए आपको सुनाते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई साहब हमने तो पिछले 30 महीनों में सबसे ज्यादा काम किया है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन गिना रहे हैं कि आपने सिर्फ झूठ बोले हैं। सुनिए, मुख्यमंत्री जी के आप समय समय के बयानों को देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि उन्होंने ये कहा कि वो भारत की राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, वो कोई पद नहीं लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा ना मुझे मंत्री बनना है ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है। सुरक्षा ना लेने के बार बार घोषणाएं करने के बावजूद मेट्रो स्टेशन के ऊपर और उसके बाद रामलीला मैदान के ऊपर साधारण सुरक्षा नहीं असाधारण सुरक्षा के अंदर कई हजार, मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग 4000 पुलिस कर्मियों को उन सारी व्यवस्थाओं के अंदर दिल्ली की पुलिस को लगाना पड़ा। महिला सुरक्षा के नाम पर बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, महिलाओं के लिए कमांडो फोर्स बनाने की बात की गई थी, लेकिन एक महीने में दिल्ली के अंदर उसी प्रकार से बलात्कार की घटनाएं हुई। जन लोकपाल बिल के बारे में तो पता नहीं कितनी घोषणाएं चुनाव से पहले की गई। 29 दिसंबर को वो रामलीला मैदान में प्रस्तुत किया जाएगा, जीतने के 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर वो सारे देश और दुनिया के सामने रख दिया जाएगा, लेकिन आज तक भी उसका कोई कानून का अता पता नहीं है। टेलीविजन चैनल पर हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी की पत्नी स्वयं घर से बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर उनके लिए लाई थी। सरकार के मंत्रियों ने भी बड़ी गाड़ियां ले ली, VIP नंबर ले लिए, और आपने ये भी देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो दिल्ली की पुरानी मुख्यमंत्री से भी बड़ा 10 कमरों का एक बड़ा दो बड़े बड़े बंगले तिलक मार्ग पर जो है उनको उनके परिवारजन भी देख आए थे। उन्होंने कहा हम दिल्ली के सब लोगों को 700 लीटर पानी मुफ्त देंगे, लेकिन उन्होंने घोषणा जब की तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के लोगों को 667 लीटर पानी मुफ्त देंगे, और 667 पानी लीटर मुफ्त पानी से ऊपर अगर एक लीटर भी होगा 20,000 से ऊपर तो उसका पूरा पैसा लगेगा। अब ये मैनिफेस्टो में तो नहीं कहा था।